के समय के यज्ञों की अपेक्षा ब्राह्मण और शुद्ध ग्रंथों के यज्ञों में बहुत गड़बड़ हो गई। जो बातें मंत्र संहिताओं के यज्ञों में नहीं थी वे बातें उनमें आकर घुस गईं। कारण यह है कि पूर्व वेदी के हवन में मांस नहीं बरता जाता था और उत्तर वेदी के हवन में अर्थात पीछे घुसे हुए यज्ञ कर्म में मांस का हवन किया जाता है। यह आजकल की या यज्ञ प्रयोग की पुस्तक जिस समय लिखी गई उस समय की प्रथा है। वैदिक प्रथा तो वही है जो कि छंदोबद्ध मंत्र भाग में बताई जाती है। इसलिए हम यहाँ प्रश्न पूछते हैं कि कौन से वेद मंत्र से यह बात सिद्ध होती है कि वैदिक वेद में गौ की हिंसा की जाती थी। यदि वेद का एक भी मंत्र हो तो उसे सामने प्रस्तुत करें। प्रमाण के बिना मानने के दिन बीत चुके हैं। ये उदाहरण मैंने गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित पुस्तक कर दिया है। इससे स्पष्ट है कि लोगों ने स्वामी दयानंद का जो दृष्टिकोण था उसको धीरे धीरे उन विद्वानों ने भी उन लोगों ने भी माना कि जहाँ भी संहिता ग्रंथों में तो कहीं नहीं है लेकिन ब्राह्मण ग्रंथों में जहाँ कहीं भी अश्लीलता या पशुवध की बात आती है और निश्चित ही प्रवृत्ति है प्रक्षेप है या अपमिश्रण है वैदिक संहिताओं से द्वारा इसकी पुष्टि नहीं होती। एक बात अंत में कहकर मैं अपनी बात को विराम दूंगा कि कुछ लोग ये कहते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथों में ऐसे वचन भी मिलते हैं जिससे पुष्टि होती है मैदर के वेद भाष्य की, खासकर गणानाम का गणपति वगैरह जो मंत्र हैं जहाँ पर कि अश्लील भाषण और जिस प्रकार का वो वर्णन किया गया है ये तो इस केवल इसके लिए महिधर को दोष देना ठीक नहीं है क्योंकि इसका प्रमाण सर्वत्र ब्राह्मण में भी मिलता है। लेकिन इसका बड़ा अच्छा समाधान दृष्टिमीमांसक जी ने कहा, उनकी बात को कहकर मैं वाणी को विराम दूंगा। दृष्टिमीमांसक जी लिखते हैं कि महिधर ने जैसा अश्लील अर्थ किया है वैसा तो सर्वत्र में भी मिलता है, फिर दयानंद सरस्वती ने महिधर के अर्थों का ही खंडन क्यों किया, सर्वत्र का निर्देश क्यों नहीं किया। इसका उत्तर यह है कि शतपथ में उक्त प्रकार अश्लील अर्थ अधिगो परिशिष्टम भवति निर्देश करके लिखा है। परिशिष्ट शब्द से स्पष्ट है कि यह अर्थ शतपथ के पीछे से घुसेड़ा गया है। इतना ही नहीं इसकी प्रक्षेपणा तो शतपथ में पूर्वत्र तथा प्रकरण साधु के अर्थों के विधान से स्पष्ट है क्योंकि इसके पूर्व शतपथ में इसके पूर्व ही इसके सुष्ठु अच्छे अर्थ मिलते हैं, अन्यथा शतपथकार पूर्व उत्तम अर्थ का निर्देश करने के बाद में अश्लील अर्थ क्यों लिखता। इससे स्पष्ट है कि महिधर ने परिशिष्ट शब्द और पुनरुक्ति दोष की ओर ध्यान न देकर साधु अर्थ की ओर उपेक्षा करके अश्लील अर्थ स्वीकार किया है, इसलिए सिद्धांत ने महिधर की आलोचना की है। तो ये बात इस संदर्भ में इसलिए देखने योग्य है यद्यपि शतपथ ब्राह्मण या अन्य जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ है वो प्राचीनतम ग्रंथों में से आते हैं वेद के बाद और उसमें बहुत से ऐसे निर्वचन है, बहुत से ऐसी आख्यायिका है, बहुत से ऐसे यज्ञ याग की विधि पूर्वक विशेष मीमांसा है जिस पर उत्तम प्रकाश पड़ता है और उत्तम प्रकाश को हमें ध्यान में रखना चाहिए। अंत में एक दो सूक्ति जो दंड ब्राह्मण की है मैं आपके बीच में रख करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। दंड ब्राह्मण जो सामवेदीय ब्राह्मण है वो लिखता है कि स इदम अविद्वान अग्निहोत्रम जुहोति यथांगारान अपोह्य भस्मनि जुयात तादृत तत्स्या। कि जो व्यक्ति बिना विधि विधान का परिचय प्राप्त किए होम करता है उसका होम ऐसे ही है जैसे अंगारों को हटाकर राख में हूं किया जाए। इसी प्रकार दंड ब्राह्मण में कहा कि जैसे क्षुधित बालक अपने माता के पास भूख मिटाने को जाता है ऐसे ही कष्ट में पड़ा प्राणी अग्निहोत्र करने आता है। तो इस प्रकार की सूक्तियाँ भी बहुत सारी मिलते हैं, यज्ञ के रूपक भी बहुत प्राप्त होते हैं जिससे ये रूपक के द्वारा उपमा के द्वारा अलंकार के द्वारा भी साहित्यिक दृष्टि से भी ये अध्ययन किया गया है। बहुत ऐसे उपमा रूपक और ऐसे सुंदर आख्यान उपाख्यान प्रस्तुत होते हैं इन ग्रंथों में। सामवेदीय ब्राह्मण में भी उसका प्रचुर प्रयोग मिलता है। इसके द्वारा हम सामवेदीय ब्राह्मणों के अध्ययन करके जहाँ तत्कालीन देश की समाज की काल की स्थिति जानते हैं वहाँ वेद को और वेदार्थ को समझने में नई दृष्टि पाते हैं जिससे हमारा सबका उपकार होता है। वेद और ब्राह्मण ग्रंथों का अध्ययन करना हमारा सबका पवन कर्तव्य होना चाहिए। और इन्हीं दो चार शब्दों के साथ मैं अपने बीज वक्तव्य को या विषय प्रवर्तन आपके रूप में करता हूँ। आगे हमारे बहुत बड़े विद्वान ब्राह्मण बहुत विद्वान प्राध्यापक विद्वान हैं जो इस विषय पर अनेक चलने वाले सत्रों में सामवेदीय ब्राह्मण पर विस्तार से अपना प्रकाश डाल लेंगे, विस्तार से उसकी विषय वस्तु को स्पष्ट करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ इस दूरभाष और तंत्र जाल के माध्यम से जुड़े हुए सभी विद्वानों का, सभी वक्ताओं का, सभी श्रोताओं का, सज्जनों का, अध्यापकों का, शोधकर्ताओं का हार्दिक नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। ओम।
शास्त्री का बहुत ही सारगर्भित व्याख्यान हम सबको सुनने को मिला। मैं संक्षिप्त सा परिचय बताना चाहूंगा गुरु जी का। गुरु जी रणवीर रणंजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अमेठी में कार्यरत रहे हैं। गुरु जी की लगभग 14 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं और 12 से अधिक पुस्तकों का गुरु जी ने संपादन किया है। मनस्वी आदि दर्पण और अग्नि नामक पत्रिकाओं का भी समय समय पर शास्त्री जी संपादन करते रहे हैं। आस्था चैनल पर भी लगभग 40 एपिसोड आचार्य जी के प्रसारित हुए हैं मनुस्मृति और संस्कार को लेकर के। तो ऐसे बहुश्रुत मनीषी विद्वान ओजस्वी वक्ता डॉक्टर ज्वलंत कुमार शास्त्री जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हम सबको अपने ओजस्वी वक्तव्य से प्रेरित किया, हमारा मार्गदर्शन किया। इसके उपरांत में मैं माननीय ज्वलंत जी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। कुछ व्यवधान इंटरनेट के द्वारा उपस्थित हो रहा है। इसके बाद सम्मान्य श्री गणेश उमाकांत थेटे जो कि पुणे विद्यापीठ के प्राध्यापक रहे हैं, इसके बाद जो भारत का प्रसिद्ध शोध संस्थान है भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसके आप पूर्व निदेशक रहे, पांडुलिपि विभाग में आप इस समय अभिरक्षक क्यूरेटर के रूप में काम कर रहे हैं, और महाभारत का जो प्रकल्प वहाँ पर चल रहा है उस महाभारत प्रकल्प के आप प्रधान संपादक हैं। इसके अलावा जहाँ संस्कृत में आपकी निर्वाध गति है, संस्कृत सीमेंट थीटे जी जुड़े हुए हैं तो कृपया सामने करो। संस्कृत के साथ साथ उनको फ्रेंच, जर्मनी, आंग्ल भाषा, मराठी इत्यादि में भी उनका संपूर्ण अधिकार है। आपका दो पुस्तक है जर्मनी से, एक अंग्रेजी भाषा में अनुदित है, फ्रेंच से एक अनुदित है, और ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ का स्वरूप, वैदिक संगीत, वैदिक विज्ञान, आपस्तंभ का अनुवाद, कात्यायन शोध सूत्र का अनुवाद इत्यादि आपके अनेक प्रसिद्ध ग्रंथ प्रकाशित है। एतद अतिरिक्त 200 से अधिक शोध प्रबंध वैदिक विषयों पर आपके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त अनेक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं। इस आयु में भी अस्पष्ट रखते हुए आपने हमारी प्रार्थना को स्वीकार की, मैं माननीय थीटे जी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हुआ उनसे प्रार्थना करता हूँ कि अपना वैदुष्य पूर्ण अनम्यूट करो, बंद करो थीटे जी को अनम्यूट करो। मैं माननीय थीटे जी का बहुत बहुत इस स्वामी समर्पणानंद वैदिक संस्थान जो कि विगत 35 वर्षों से सतत वेद विषयों में प्रतिवर्ष 200 संगोष्ठियों का आयोजन करता है तथा पावमानी पत्रिका के माध्यम से वैदिक विषयों में शोध लेखों का सतत प्रकाशन करते आ रहे हैं, और जिन स्वनामधन्य पूज्य स्वामी समर्पणानंद सरस्वती के जन्मदिवस पर आज यह संगोष्ठी आयोजित होने जा रही है, उनका वैदिक साहित्य के प्रति, ब्राह्मण ग्रंथों के प्रति जो योगदान है वो अप्रतिम है। उनका शतपथ ब्राह्मण का भाष्य, यजुर्वेद का जो कुछ भाष्य उपलब्ध है, दूसरा अथर्ववेद का कुछ सूक्तों का भाष्य उपलब्ध है, वो संपूर्ण वेद भाष्यों के एक तरह से सूत्र रूप में कहे जा सकते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथों के जो कर्मकांड आदि हैं उन कर्मकांडों के आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक क्या क्या स्वरूप हो सकते हैं, आदि सामाजिक क्या क्या अर्थ हो सकते हैं, इन सबको प्रकट किया है। ऐसे महामना वेद नर्मज्ञ पंडित बुद्धदेव विद्यालंकार स्वामी समर्पणानंद सरस्वती जी के 125वें जन्मदिन के अवसर पर ब्राह्मण ग्रंथों में, सामवेदीय ब्राह्मण ग्रंथों में यह गोष्ठी आयोजित हो रही है, और आपको इसके विशिष्ट वक्ता के रूप में हम लोग बात करके धन्य है। आपसे प्रार्थना है कृपया अपना थीटे जी जुड़े हुए हैं, मेरी आवाज सुन रहे हैं, कृपया आए। सर अभी थीटे सर जुड़े हुए थे, अभी शायद उसमें नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई है, वो आउट हो गए, लिफ्ट हो गए। एक मिनट उनका फोन भी एक मिनट फोन भी पांडे जी जुड़े हुए हैं।
पांडे जी जुड़े हुए हैं इससे? सर पांडे सर जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए पांडे सर जुड़े हुए हैं। गुणे जी को हम सुने वो किसी कारण से नहीं जुड़ पा रहे हैं, समस्या की नेट की समस्या के कारण उनका फोन भी नहीं मिल पा रहा है। मैं आज के सारस्वत अतिथि श्रद्धेय श्री ओम प्रकाश पांडे जो कि महर्षि शांतिपत्नी वेद विद्या प्रतिष्ठान के पूर्व अध्यक्ष रहे, लखनऊ विश्वविद्यालय में अनेक वर्ष तक संस्कृत विभाग में आप कार्यरत रहे, वेद विषय आपकी अनेक पुस्तकें हैं, विशेष करके सांवेदीय ब्राह्मणों की समालोचना आपके सांवेदीय ब्राह्मणों पर प्रकाश डालने के एकमात्र पुस्तक हम लोगों को उपलब्ध हो पाई, ऐसे मनीष विद्वान जो कि वेद के अभिमान्य ज्वलंत कुमार जी आपकी पुस्तक के बारे में चर्चा कर रहे थे, ऐसे सुनाव धन्य अपने पांडित्य से देश विदेश में वैदिक संस्कृति सभ्यता वेद ज्ञान विज्ञान के प्रसार करने वाले सामान्य ओम प्रकाश पांडे जी से प्रार्थना है, कृपया आपने ओजस की वैदिष्ट्यपूर्ण व्याख्यान से सभी वेद अध्येताओं का मार्ग प्रशस्त करने का अनुग्रह करें। श्रद्धेय ओम प्रकाश पांडे जी। पांडे जी को अनम्यूट करो, तिवारी जी के नाम से हैं। हरि ओम महो अरुण सरस्वती प्रचेतयति केतुना धियो विश्वा विराजति पावकान्नः सरस्वती भाजेभिर्वाचिनीवती यज्ञं वस्तु धियावसु। परम पूज्य स्वामी विवेकानंद सरस्वती जी जो इस संस्थान के संरक्षक और अधिष्ठाता हैं, आज के कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर वाचस्पति जी और इस महायज्ञ में इस विचार यज्ञ में प्रतिभागी विद्वज्जन मूर्धन्य मनीषी सबको प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात सामवेदी ब्राह्मणों के विषय में रखने का प्रयत्न करूंगा। सामवेद भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है और गीता की पंक्ति है कि वेदा नाम सामवेद उष्मी। ये चर्चा बहुत बार होती है कि भगवान कृष्ण को क्या इतना अन्य वेदों से इतना अनुराग नहीं था या सामवेद के प्रति उनका विशेष पक्षपात किस लिए था। उसका कारण ये है कि वंशी ध्वनि से संपूर्ण भूमंडल को आकृष्ट करने वाले भगवान कृष्ण को अपने वादन के साथ गायन भी प्रिय है और सामवेद गान स्वरूप है। यह विख्यात सूत्र है कि गीति सुसामाख्या, साम का अभिप्राय है गान, सा शब्द है ऋचा का वाचक और अम शब्द जो है उसमें लगे हुए स्वर का वाचक। तो ये जो सा और अम ये ऋचा के साथ ऋचि अध्यूढ़ साम गीयते, ऋचा पर प्रतिष्ठित साम जो है उसी का गान होता है। अब ये ऋचाएं कहाँ से आई? पाश्चात्य विद्वानों ने एक बड़ी भारी भूल कर दी कि साम वेद की ऋचाएं ऋग्वेद से ली गई, केवल कुछ ऋचाएं हैं ऐसी जो वर्तमान साम वेद में उपलब्ध हैं आर्चिक भाग में लेकिन ऋग्वेद में नहीं मिलती। उनके अतिरिक्त तो उनका कहना है कि कोई ऋग्वेद की लुप्त तो शाखा रही होगी जिसमें ऋचाएं रही होंगी, तो साम वेद जो है वो ऋग्वेद से ग्रहित है। ये सबसे बड़ा भ्रमपूर्ण कथन है। साम वेद का अपना स्वरूप है और साम वेद के दो भाग हैं, एक आर्चिक भाग है और एक गान भाग है। साम वेद की या गान ग्रंथों में जो गान हैं उनकी ऋचाएं
जो आधारभूत हैं वे वास्तव में सामवेद के ही आर्चिक ग्रंथ से ली गई। ऋग्वेद ने सामवेद से लिया या सामवेद ने ऋग्वेद से लिया, यह कहना मुश्किल काम है, बड़ा कठिन काम है, क्योंकि अनेक सामों का उल्लेख स्वयं ऋग्वेद में मिलता है, ऋचाओं में मिलता है, जैसे ब्राह्म साम है, दूसरे साम है, हजार तरह के। तो एक तो यह भ्रम है और यह टूटना चाहिए, और सामवेद का अपना स्वरूप है। तो यह जो सामवेद है, दूसरा इसके विषय में भ्रम यह है कि और भी कई भ्रम हैं, लेकिन वास्तव में शाखाओं को लेकर की बड़ा मतभेद है। पतंजलि की एक पंक्ति है, सहस्र वर्त्मा सामवेदा, कहीं न कहीं कहीं सहस्राध्वा सामवेदा भी मिलता है। अब इस वर्त्मा, और उन्होंने यह भी कहा कि ऋग्वेद कितनी शाखाएं हैं, यजुर्वेद कितनी शाखाएं हैं, और सहस्राध्वा या सहस्र वर्त्मा सामवेदा, सामवेद की हजार शाखाएं नहीं, सामवेद की कुल तीन शाखाएं ही हैं। पहले कभी 13 शाखाएं कही जा रही थी, लेकिन उनमें से मिलती नहीं, तीन शाखाएं ही हैं, और यह हजार प्रकार के सामगान हैं। एक ही मंत्र के हजार प्रकार के गान होते थे। यह अध्वा शब्द और वर्त्म शब्द जो है, यह गान का प्रतीक है, यह शाखा का प्रतीक नहीं है। सामवेद की जो प्राचीनतम शाखा है, और सामवेदीय ब्राह्मणों में भी जो वास्तव में सर्व प्राचीन शाखा है, वो जैमिनीय शाखा है, और जैमिनीय ब्राह्मण सर्व प्राचीन ब्राह्मण प्रतीत होता है। आज जैमिनीय शाखा के केवल तीन ही ब्राह्मण मिलते हैं, जैमिनीय ब्राह्मण, जैमिनीय उपनिषद ब्राह्मण, और जैमिनीय आर्षेय ब्राह्मण। और यह शाखा केवल केरल में प्रचलित है, पूरे देश में इस शाखा का पाठ नहीं होता, जैमिनी शाखा वहीं पर पाई जाती है। इस ब्राह्मण ग्रंथ में बड़े महत्वपूर्ण शब्द मिलते हैं, अंग्रेजी में जिनको कहते हैं आर्काइक किस्म के, जिनकी आज व्युत्पत्ति बड़ी कठिन हो गई, उनका अभिप्राय समझना बहुत कठिन है, और बड़े विस्तार से जो सोमयाग हैं उनका विवरण जैमिनी शाखा के ब्राह्मण में दिया गया है। यह जैमिनी ब्राह्मण कई बार इधर से उधर हुआ, लेकिन डॉक्टर रघुवीर ने और उनके पुत्र लोकेश चंद्र ने इसको अपने सरस्वती विहार से प्रकाशित किया था, और हमारा ये जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र है, ये इसके अंग्रेजी अनुवाद को प्रकाशित कर रहा है, मेरी भी कुछ भूमिका थी उस अनुवाद के संशोधन में, लेकिन है ये बहुत प्राचीन ग्रंथ। तांड्य ब्राह्मण जो है, यह अपेक्षाकृत अर्वाचीन है, इसलिए कि इसकी भाषा पूरी तरह से व्याकरण सम्मत भाषा है, और बड़ी स्पष्टता से अपनी बात कहता है। तांड्य ऋषि की परंपरा आज तक चली आ रही है। तांड्य ऋषि की परंपरा के रूप में उनके अनुयायी तांड्यायन कहलाए, और आज खत्री समाज का जो प्रचलित अष्टपद है टंडन, ये अपने को उन्हीं तांड्य ऋषि से जोड़ रहे हैं। तो यह परंपरा अभी समाज में विद्यमान है। यद्यप टंडन बंधुओं को शायद ये बोध नहीं है कि वे तांड्य ऋषि के वंशज हैं। तो यह साम का स्वरूप जो है वो तीन प्रकार का होता है, एक तो ऋचा पर आधारित साम, और दूसरा ऋग्विहीन साम, ऋचा भी नहीं होती, जिसमें कुछ स्तोभ प्राप्त होते हैं, ऋग व्यतिरिक्त वर्ण जो होते हैं वे साम की विशेषता बद, जैसे औ हौ वाह, आई हाइक कार, इस तरह से
तो बहुत से साम ऐसे हैं जिनकी मूल ऋचा मिलती ही नहीं, किस्तोभाषृत है। तो ये जो लुप्त, अब ये कहा जाता है ये कांड में ही उल्लेख है भाल्लव शाखा का, भाल्लवया प्रचक्षते, कि भाल्लव शाखा के ऐसा लगता है कि तांड ब्राह्मण के संकलन काल में, संपादन काल में ये भाल्लव शाखा के कुछ अंश उपलब्ध थे। तो ये जो लुप्त ब्राह्मण ग्रंथ थे इनमें से प्रमुख तो भाल्लवी ब्राह्मण भी था। बटा कृष्ण घोष ने लास्ट ब्राह्मणाद में इसका उल्लेख भी किया है। अब ये महाभारत, ये जो महाब्राह्मण है जैसे शतपथ ब्राह्मण का अंतिम भाग बृहदारण्यक उपनिषद है, उसी प्रकार से सामवेद का ये जो तांड महाब्राह्मण है छांदोग्य उपनिषद भी इसी का भाग है, ऐतरेय उपनिषद भी ऐतरेय ब्राह्मण के ही का भाग है, और 40 अध्याय जैसे ऐतरेय ब्राह्मण में मिलते हैं इसी प्रकार कभी 40 अध्याय का यह तांड महाब्राह्मण रहा होगा। आज इसका पहला भाग पंचविंशति ब्राह्मण ऑफ 25 चैप्टर्स, फिर 26वें अध्याय से छांदोग्य ये ब्राह्मण प्रारंभ, षड्विंश प्रारंभ होता उसका नाम ये 26 षड्विंश माने 26वें अध्याय से, जो अभी ब्रात्यष्टोम की चर्चा हमारे बंधुवर डॉक्टर ज्वलंत जी ने की, वे ब्रात्यष्टोम यज्ञ वास्तव में इसी षड्विंश में मिलते हैं। इस ब्राह्मण ने बहुत सारे लोक प्रसंगों को भी जोड़ने का प्रयत्न किया है। तो यह जो गान स्वरूप हमारा सामवेद है, महाब्राह्मण वास्तव में सोमयाग के जो स्तोम है, स्तोत्र है, शस्त्र शब्द जो है वो वेदीय मंत्रों के लिए प्रयुक्त होता है। ऋग्वेद की जो ऋचाएं हैं जिनको होता प्रस्तुत करता है वे शस्त्र कहलाते हैं, लेकिन ऋग्वेद के वो यजुर्वेद के बाद यजुर्वेद का ध्वनि तो केवल स्वरूप का ही निर्माण करता है, सामवेद का जो उद्गाता होता है उसकी पूरी टीम होती है। और यज्ञ में बड़े विधिविधान से सोमयज्ञों में सोमयागों का संपादन बिना सामवेद के नहीं, और यज्ञ में जो सम्राट आसंदी स्थापित की जाती थी, आसंदी शब्द आज उसी के लिए व्यवहृत होता है, लेकिन सबसे बढ़िया आश्रम, सबसे बढ़िया आसन जिस पर उद्गाता बैठता था सम्राट आसंदी उसको कहते थे। तो इससे प्रतीत होता है कि सामवेदीय ऋत्विक को यज्ञों में कुछ विशेष स्थान प्राप्त था, और एक गूलर की टहनी लाई जाती थी और वो गूलर की टहनी यज्ञ में डाली जाती थी। वो गूलर की टहनी, गूलर का फल बड़ा मीठा पकते ही उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। मुझे लगता है वैदिक काल में आम और अंगूर ये इतने लोकप्रिय फल नहीं थे जैसे कि इतने ब्राह्मण के सुना हरिश्चंद्रोपाख्यान में मिलता है, और जो श्रम करने वाला है उसको गूलर के फल, उदुम्बर का फल प्राप्त होता है। तो उदुम्बर शब्द मिठास का द्योतक, तो वह परंपरा यज्ञ की लुप्त हो गई, लोगों को पता भी नहीं है, लेकिन आज भी होली में वो परंपरा चल रही। यह जो होली की अग्नि के चारों ओर लकड़ियों लकड़ियां रहती हैं, लेकिन मध्य में होली के आयोजन से पहले ही एक पेड़ ला करके लगाते हैं जिसको जो बड़ा प्रसिद्ध है, और वह पेड़ जहाँ कोई एरंड वृक्ष, एरंड वृक्ष कोई टहनी को लाकर लगाने का क्या उचित थी, ये उसी गूलर का प्रतीक है। धीरे धीरे गूलर जब लुप्त हो गया तो उसके स्थान पर होली की अग्नि को प्रज्वलित करने से पूर्व महीने भर 15 दिन पहले एरंड वृक्ष की
एक टहने को लाकर गाड़ देते हैं, बल्कि कभी कभी समूचा वृक्ष ही गाड़ देते हैं। ये एरंड वास्तव में होली की जो अग्नि है वो वैदिक यज्ञ है, और इस यज्ञ का होली का अगर संपूर्ण स्वरूप जानना है तो कांड महाब्राह्मण को ही देखना पड़ेगा। गवामयन सत्र याग एक होता है, यज्ञ तीन प्रकार के होते हैं, अहीन यज्ञ, द्वादशा और सत्र। उनमें सर्वोपरि यज्ञ है गवामयन या सत्र याग, और तांड्य ब्राह्मण का आरंभ उसी गवामयन सत्र याग से होता है। उसका अंतिम दिन जो होता था वो महाव्रत होता था, और महाव्रत में एक वर्ष बाद ठीक उसी तिथि को ये होली संपन्न होती है जिस दिन महाव्रत हुआ, फाल्गुन की पूर्णिमा को। और आज होली उसी का प्रतीक है। उसमें हजार प्रकार के गान तो होते ही थे, लेकिन वीणा वादन होता, सततंत्रिका वीणा, सौ सौ तारों वाली वीणाएं थी, और वही सततंत्रिका वीणा जो है इनका विवरण तांड्य ब्राह्मण में मिलता है, अपघाटिला ब्राह्मण वीणा। तो ये सततंत्रिका जिसको कहते हैं वही संतूर हो गया, शारदीय वीणा जो थी वही स्तरोत हो गई, और रुद्र वीणा जो थी उसी को ये रबाब कह रहे हैं। तो वीणाओं का विवरण मिलता है, और दुंदु विवादन होता है, जीवन में आनंद का भी स्थान है। यज्ञ कोई रूखा कार्य नहीं था, तो महाव्रत की जानकारी, और महाव्रत में नृत्य भी होता था, गान भी होता था। परिकुंभिनी घड़े सिर पर रखते हुए यज्ञ वेदी, यज्ञ के यज्ञाग्नि के चारों ओर जो कुमारी कन्याएं थी वे भ्रमण करती थी। आज भी घर में जो मीठा भोजन है इसकी जानकारी तांड्य ब्राह्मण से होती, महाव्रत से होती, और महाव्रत में कुले कुलेश्वर अन्नम क्रियते, तांड्य ब्राह्मण में मिलता है कि घर घर में व्यंजन बनते हैं। उसमें केवल ऋत्विक होते थे, उसमें कोई बाहर का यजमान सम्मिलित नहीं होता था, कुले कुले यज्ञ। तो प्रश्न उठाया गया कि ये व्यंजन क्यों बन रहे हैं, यजमाना अक्षन जो यज्ञानुष्ठान कर रहे हैं, वर्ष भर थके हुए शांत क्लांत ऋत्विक जिस महाव्रत याग का अनुष्ठान कर रहे हैं वे लोग करें। उसमें नृत्य भी होता था, उसमें परिहास भी होता था, जीवन में व्यंग्य परिहास नृत्य गान ये सब महाव्रत में होता था, और इसकी जानकारी हमको तांड्य महाब्राह्मण से दी। सूक्ष्म स्वरूप में ये जीवनी ब्राह्मण में भी मिलता है, लेकिन वास्तव में जो बहुत प्राचीन ब्राह्मण आज जो प्राचीन सूत्र मिलता सबसे ज्यादा प्राप्त ध्वनि कम हो गई है संत प्रकाश जी, ध्वनि थोड़ी कम। और यह धर्मसूत्र जो है गौतम धर्मसूत्र या सामवेद का धर्मसूत्र है, जब धर्मसूत्र प्राचीनतम धर्मसूत्र है तो इसके ब्राह्मण ग्रंथ भी प्राचीन है। तो उगाता की जो टीम थी उसमें उगाता रहता था, उगाता रहता था, उगाता रहता था, और एक ऋतु रहता था सुब्रह्मण। उस सुब्रह्मण्य का उल्लेख सर्वेश ब्राह्मण में मिलता है, और वो सुब्रह्मण्य ओम ऐसा वो कहता था, बाकी उसकी भूमिका ज्यादा नहीं रहती थी। लेकिन यह समवेत रूप में भी होता था, प्रत्येक भाग एक एक जो पांच भाग होते थे, प्रस्ताव भाग, प्रतिहार भाग, और तो इनका प्रारंभ प्रस्तोता करता था, अंतिम भाग जो कहलाता था वो निधन भाग का, उसका कोरस में पाठ होता था, समवेत गान होता था। तो ये जो गान प्रक्रिया है इसका ये जो दो प्रकार से मिलते हैं, एक पूर्व गान, एक ऊह गान और ऊह्य गान। पूर्व गान को हम प्रकृति गान भी कहते हैं, ग्रामे गेय गान भी कहते हैं, अरण्य गेय गान भी है। इसमें जो स्तोभ थे वे लगता है कि नगर में ग्राम में गाए जाने अच्छे नहीं माने जाते थे, इसलिए अरण्य गेय गान में इस तो कुछ दूसरे प्रकार के। और यह साम गान सात
भक्तियों या विभक्तियों से युक्त होते थे, ओंकार हिंकार, तो ये सब जो होते थे, प्रस्तार उपद्रव निधन, ये सब मिला करके और विस्तुतियां होती थी। ये विस्तुतियां जो विशेष प्रकार की स्तुति, तो स्तुति स्तोम और स्तोत्र, इनमें बहुत आगे चल करके एक मूल ऋचा प्रकृति गान की होती थी और फिर तृत जोड़ देती थी। तो इनसे हजारों प्रकार के जो सामों का हुआ, सर्वश्रेष्ठ अग्निस्तोम, बृहत सोम, महास्तोम, इनकी चर्चा मिलती है। तो ये जो और 20 भाव विकार होते थे, ये भाव विकार होते थे, ये आयित्व प्रकृति भाव वृद्धि ये सब होते थे, इन सब का विवरण तांड महाब्राह्मण मिलता है। तो तांड ब्राह्मण जो है आज भी हमारे संगीत शास्त्र का जन्मदाता यही सामवेदी ब्राह्मण ही। सारे स्वर निष्पन्न होते हैं, लेकिन प्रश्न ये होता है कि सामगान समाज में लोकप्रिय क्यों नहीं हो सका। तो बहुत से संगीतज्ञों से मैंने बात की, उन्होंने कहा कि ये जो है इसका जो उच्चारण होता है, इसका एक नाम और भी है जो गान है, उसका नाम है पुष्प। पुष्प सूत्र इसका है, 52 ग्रंथ मिलते हैं जिनमें सामगान के विवरण का विश्लेषण है। तो 52 ग्रंथ तो किसी भी वेद के नहीं मिलते जिनका विश्लेषण हो, और कुछ इसके अनुब्राह्मण मिलते हैं, जिस बात का उल्लेख किया गया कि देवता अध्याय ब्राह्मण, आर्षेय ब्राह्मण, संगीतोपनिषद ब्राह्मण, ये संगीतोपनिषद ब्राह्मण ये सब अनुब्राह्मण कहलाए। अनुब्रा पाणिनि का सूत्र ही है अनुब्राह्मणादि, अंग्रेजी में इनको हम लोग माइनर ब्राह्मण, आर्षेय ब्राह्मण, माइनर ब्राह्मण कह देते हैं। तो यह वास्तव में और दो आज सामान्य जो सामगान करने वाला व्यक्ति है वो गात्र वीणा का प्रयोग करता है। एक वीणा तो दारू वीणा हो गई जो लकड़ी से या अन्य धातुओं के मिश्रण से बनाई जाती थी, जिनका उल्लेख मैंने पहले किया, लेकिन एक गात्र वीणा होती है। ये गात्र वीणा जो है ये अंगुल पर ही सारे स्वरों का निक्षेप होता है, अंगुल से ही प्रदर्शन होता है, ये गात्र वीणा कहती है। जो वीणे परिकीर्ति थे और नारदीय शिक्षा में सामगान की पद्धति का विवरण विस्तार से मिलता है, पुष्प सूत्र में विस्तार से मिलता है। तो ये हमारा जो सामगान है, सामवेद है, ये वास्तव में सबसे बड़ी बात यह है कि तांड ब्राह्मण एक दिन से लेकर के, जिसमें सुत्या दिवस एक ही दिन होता है और वह 5 दिन में, न्यूनतम 5 दिनों में यज्ञ संपन्न होता है श्रौत याग, लेकिन सहस्र संवत्सर साध्य, 1000